हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, कॉन्सेप्ट जितने भी थे हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे वो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे उसको और अच्छे से ग्रास्प करके क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आपके सामने पहला इस क्वेश्चन ये है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे दोनों का और एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार खुद से एक सिंसियर अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन को। आई होप आपने खुद से एक बार ट्राई लिया होगा जो कॉन्सेप्ट आपने जिससे पिछले वीडियो में जो सीखा था उसके थ्रू। अब मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं। क्या बोल रहा है कि इफ ई इज इक्वल टू, ये जो ई है ये कितना है 10 वोल्ट, ये ई आ गया 10 वोल्ट। एंड अभी जो ये आई फ्लो कर रहा है सीडी से, सीडी पाथ से, उसमें कितना करंट फ्लो रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, मुझसे पूछा जा रहा है इफ देन इफ अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल सीडी, इस टर्मिनल में अगर मैं 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दूं, तो अप्लाई करने के लिए मतलब कि क्या, मान लीजिए सर के अंदर के नेटवर्क को मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अभी भी कैसा है, लीनियर पैसिव नेटवर्क, राइट। अभी भी वो वैसा का वैसा ही है, टर्मिनल्स भी एज इट इज है, ठीक है। बस अब क्या बोल रहा है कि सीडी टर्मिनल में मैं एक 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाने वाला हूं। ठीक है, 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लग गया यहां पे, और द शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू टर्मिनल ए बी। अब यहां पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने वाला है, और मुझसे अब पूछ रहा है कि ये जो करंट होगा आई डैश ये कितना होगा। या तो इसको मैं लिखता हूं आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। क्या हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बोलता है कि अगर कॉस और इफेक्ट का इफेक्ट जो थे हमारे सर्किट में उसके पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे तो भी सर्किट क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। मतलब कि क्या, वी बाय आई रेशियो जो रहेगा, वी फ्रॉम वन मैश एंड आई फ्रॉम अनदर मैश, वो जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं अगर लिखता हूं इस मैश और इस मैश का करंट का रेशियो ई बाय आई किसके सेम रहेगा, 100 बाय आई एस सी। ठीक है, और ई बाय आई किसके इक्वल था, मतलब कि ये हो जाएगा ई बाय आई था मेरा पहले से ही 10 और 1, और यहां पे 100 बाय आई एस सी, तो यहां से मुझे क्या मिला, आई एस सी इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स, राइट। यहां से आई एस सी इज इक्वल टू 10 एम्पियर मिल गया। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम का सिग्निफिकेंस क्या है, और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वी बाय आई रेशियो कॉन्स्टेंट रहने का, उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे और कैसे न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका फेजर फॉर्म में है, फेजर फॉर्म। जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो आप एसी फंडामेंटल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप सीख जाएंगे, पर जिन्हें पता है उस वो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट लें। सिर्फ वी बाय आई रेशियो लेना है। देखिए, पहला नेटवर्क फिगर ये था, वोल्टेज सोर्स यहां पर, करंट ये एक एमीटर है, यहां से इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब हमसे पूछ रहा है फिगर टू में कि अगर वोल्टेज सोर्स को मैं यहां से यहां कर दूं और करंट सोर्स को यहां से यहां इंटरचेंज कर दिए पोजीशन को, करने के बाद अब कितना करंट फ्लो होगा आई में, सॉरी एमिटर में, तो वो किससे होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से। सिंपल सा है, फिर से वी बाय आई रेशियो से पहला क्या हुआ 20 बाय एंगल 30, वोल्टेज फ्रॉम वन मैश एंड करंट फ्रॉम अनदर मैश, करंट कितना है 4 एंगल
-45 degrees, 4 एंगल -45 degrees, और अब क्या हो रहा है, अब फिर से वोल्टेज कितना हो गया इस साइड वाला 15 एंगल 90 degrees, और करंट क्या है I, ठीक है। सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लगाया था वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगा रहे हैं, जो थ्योरम का हमने जो कॉन्सेप्ट लिखा था किसमें, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, तो यहां से क्लियरली आई मिल जाएगा मुझे, आई कितना होगा 15 एंगल 90 डिग्रीज इंटू 4 एंगल 45 डिग्रीज -45 डिग्रीज अपॉन 20 एंगल 30 डिग्रीज। अब देखो ये तो है फेजर फॉर्म में, तो आपको पता है कि फेजर फॉर्म में अगर डिवीजन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम एंगल्स को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और डिवीजन के केस में हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 90 - 30 दैट इज 60, 60 + -45 कितना हुआ 15 डिग्रीज, तो ये जो आंसर आ रहा होगा उसका एंगल कितना होगा 15 डिग्रीज, ठीक है। कैसे किया मैंने, 90 - 30 60 60 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो तो प्लस, पर एंगल क्या है -45 है, तो 60 - 45 इज 15 डिग्रीज, ठीक है। अब यहां पे क्या बचा, मैग्नीट्यूड बचे 15 × 4 / 20, ठीक है, 15 × 4 = 60, 60 / 20 इज नथिंग बट 3, ठीक है। तो यहां पे हमारा आई जो आया सेकेंड केस में वो किसके इक्वल आ गया, आई इज इक्वल टू 3 एंगल 15 डिग्रीज, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे इन दो बेसिक से क्वेश्चन में हमने सिर्फ रेसिप्रोसिटी थ्योरम से सिर्फ वी बाय आई रेशियो को सेम करके डायरेक्टली करंट बिना बीच के सर्किट को, बिना इस सर्किट को डिस्टर्ब किए, बिना इन सर्किट्स को डिस्टर्ब किए हम कैसे डायरेक्टली करंट निकाल सकते हैं दूसरे ब्रांच के ब्रांच से, ठीक है। पर ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल कब होगा, जब इसमें डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं होंगे और क्या इनिशियल कंडीशन नहीं होंगी, तब ठीक है, तभी एप्लीकेबल होगा। तो इसी से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम इस थ्योरम से एक अटेम्प्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की ओर, जो कॉन्सेप्चुअली बेस्ड है और जो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हमारा देखा होगा, ठीक है। तो ये, और मैं बता दूं कि पहले कि ये ESE में 2016 में ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल टू अ नेटवर्क कंटेनिंग आर, एल एंड सी नेटवर्क, ठीक है, एलिमेंट्स। तो इसके लिए तो ये सही है, आर एल एंड सी अगर रहे तो हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। विच इज इनिशियली नॉट अ रिलैक्स्ड सिस्टम, ये अब रिलैक्स्ड का मतलब देखते हैं, रिलैक्स्ड मतलब क्या, कि रिलैक्स मतलब वो होता है कि इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, ठीक है। रिलैक्स्ड सिस्टम का मतलब होता है कि उस सिस्टम के सारे इनिशियल कंडीशन जीरो हो चुके हैं। तो पर इसमें बोल क्या रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में, विच इज इनिशियली नॉट अ रिलैक्स्ड सिस्टम, Not a relaxed, ठीक है। तो अगर not है तो आपको पता है कि हमारा reciprocity theorem लगाने के लिए हमारा initial condition zero होना चाहिए, पर इसमें not बोल दिया मतलब कि initial condition relaxed नहीं है, तो क्या reciprocity theorem लगेगा, नहीं। तो यहां पे हमारा statement 2 होता है गलत, ठीक है। Having both dependent and independent sources, independent sources की तो बात एकदम सही कही, इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए तो रहेगा, पर क्या डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए रहेगा, नहीं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमारा इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए, सॉरी डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे स्टेटमेंट 3 भी हुआ गलत, और करेक्ट आंसर क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन, ठीक है। तो अगर जिसको कॉन्सेप्ट वाइज रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट और उसकी एप्लीकेबिलिटी पता होगा तो वो डायरेक्टली 1 को मार्क कर देगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मोर देन 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन को देखने के बाद सॉल्व करने में, ठीक है। और ये ESE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो यहां पे हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम का न्यूमेरिकल्स भी खत्म होता है, 3 न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे किए हमने, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल को भी टच किए और
जो हमने इक्वेशन किया था V1 by I1 is equal to V2 by I2 का जो रेशियो वाला न्यूमेरिकल्स के थे दो, वो भी हमारे काफी अच्छे थे, जो सारे कॉन्सेप्ट्स को हमारा क्लियर करते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम से। तो यहाँ पे आपका पूरा थ्योरम्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।